परमेश्वर का नाम और संकीर्तन। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर में नामों का संकीर्तन विशेष रूप से विविध करने की विधि है। वेदों में अनेक नामों से एक ही सद वस्तु के वर्णन है। उपनिषदों में भी ऐसा ही है। इतिहास और पुराणों में भी यह संकीर्तन भिन्न रीति से आया है। इस छोटी सी ईशोपनिषद में भी पुनः पुनः परमात्मा गुण वर्णन आया है। ऐसा जहाँ तहाँ परमात्मा के गुणों का संकीर्तन क्यों किया है, इस प्रश्न का विचार करना उपयुक्त है। इस नाम का संकीर्तन महत्व समझ में आना कठिन है, इसीलिए इस विषय में संक्षेप से दो शब्द यहाँ कहने हैं। सबसे पहले बहुत सा प्रस्ताविक उपारोह न करते हुए वैदिक धर्म का एक मूल तत्व यहाँ कहना चाहिए, और वह यह है कि परमेश्वर सबका पिता है और हम उसके पुत्र हैं। यह कल्पना इस नाम संकीर्तन का मूल आधार है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और परमेश्वर मेरा पिता है। यह कल्पना मन में स्थिर हो जाने के दूसरे ही क्षण में दूसरी कल्पना मन में आती है, और वह यह कि पुत्र उन्नति होते होते कभी ना कभी अपने पिता के सदृश हो जाएगा। इस नियम के अनुसार परमेश्वर के भी पुत्र उन्नति होने के मार्ग में हैं। वे कभी ना कभी परमेश्वर के सदृश स्वतंत्र मुक्त सत चिद आनंद स्वरूप होंगे। इस विचारधारा से आगे का सिद्धांत हमारे ध्यान में आ सकेगा। परमेश्वर सबका परम पिता है, हम सब उसके अमृत पुत्र हैं। पिता के गुण धर्म अंश रूप से जन्मतः पुत्रों में होते ही हैं। पुत्र के गुण धर्म पूर्ण विकसित हुए कि वह अपने पिता के समान होता है। पुत्र के उन्नत होने की भी परम सीमा है, और कभी ना कभी वह उन्नति की परम सीमा प्रत्येक को प्राप्त होगी ही। जिन अर्थों में पिता पुत्र के गुण धर्म पिता के पूर्णत्व में पहुँचे हुए हैं और पुत्र में अंश रूप से हैं, तो वे समान ही हैं। उन अर्थों में जो गुण बोधक नाम होंगे वे पिता पुत्र के एक से ही होने चाहिए, इसमें संदेश नहीं है। जैसे दृष्टा देखने वाला, श्रोता सुनने वाला इत्यादि नाम केवल गुण बोधक होने से वे जैसे पिता के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, वैसे ही पुत्र के लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं। यह जो व्यवहारिक अनुभव है वह वैसा ही इस परमार्थ में भी सत्य, और इसलिए वेद उपनिषद तथा इत धर्म ग्रंथों में परमेश्वर के जो गुण संकीर्तन किए हैं वह सत्य है। तेरे पिता सूर वीर और धीर थे, उसने इतिहास में ये महत्व के कार्य किए, इत्यादि प्रकार के बड़ों के वर्णन लड़कों के सुनने पर उनके अंतःकरणों में भी हम भी उनके सदृश बने, ऐसा भाव आना स्वाभाविक है। इस तरह हमारे में उन्नति करने की प्रेरणा नाम संकीर्तन से मिलती है, और वह जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से इन नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। वेदों में जिन देवताओं का वर्णन है और उनमें जो परमेश्वर के वर्णन हैं, वे सब उपरोक्त कथन अनुसार मनुष्य में उन्नति स्फूर्ति करने तथा उसके उन्नति मार्ग में लगाने के लिए, जैसे परमात्मा का अंश यहाँ पर जीवन रूप से आया हुआ है, वैसे ही अग्नि वायु सूर्य आदि 33 देवता अंश रूप से इस जीवात्मा के साथ साथ शरीर में आकर इंद्रियों और अवयवों में बसे हुए हैं। इसलिए चाहे किसी भी देवता का वर्णन हो तो वह हमारे शरीर में स्थित अंशभूत देवता भी सूक्ष्म रूप से वर्णन है ही। वन जलाने वाले बड़े दावानल का वर्णन छोटी सी चिंगारी का भी अंश रूप से ही है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इससे यह बात ध्यान में आती है कि हमारे वेद आदि धर्म ग्रंथों में परमेश्वर का तथा इन देवताओं का वर्णन भी ब्रह्मांड व्यापी शक्ति का वर्णन होता हुआ वही पिंड व्यापक अल्प शक्ति का भी है, और वह पिंड में उन दोनों अवक्षित शक्तियों को बढ़ाकर पूर्ण करने के लिए हमें आदेश दे रहा है। इस प्रत्येक वर्णन से मनुष्य को बोध लेना और यथासंभव अपने आचरण में उसे लाना है। इस बोध का कैसे पता चले, इस बात को बताने के लिए आगे तालिका में उसको दर्शाया है, जिससे पाठक सुगमता से जान सकेंगे। मूल वाक्य दर्शाने के लिए
ऊपर मंत्रांडक दिया है अर्थात उस अंक वाले मंत्र का वह मूल वाक्य है ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा के वर्णन और मनुष्यों के ग्रहण करने योग्य बाधक वह पूर्ण ब्रह्म है। मनुष्य पूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ करे, इस जन्म में कुछ विशेष नहीं हो, किसी एक गुण में पूर्णत्व संपादन करे, आत्म संरक्षक की शक्ति शरीर में लाओ और पीड़ा देने वाले प्राणियों से पीड़ितों का संरक्षण करो। ईश्वर से यह सब वसने योग्य है। ईश्वर ईश होकर सर्वत्र बसा हुआ है। अपनी शक्ति से स्वामित्व संपादन करके जगत में व्यवहार कर पराधीन वृत्ति में रहते हुए अपने दिन ना बिता। यहाँ जो ईशोपनिषद के मंत्र से बोध दिया गया है वह उस सूचक मंत्र से उतना ही मिलता है, ऐसा किसी को भी यहाँ समझना नहीं चाहिए। मंत्र का अर्थ मन में समझकर उनका थोड़ा थोड़ा मनन करने से परमेश्वर के गुणों का ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा। परमेश्वर इस विश्वव्यापक संसार में जैसे प्रचंड कार्य अतुल स्वशक्ति से कर रहा है, वैसे थोड़े से कार्य में छोटे से क्षेत्र में करते हुए अपने पिता के समान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही कर्म मनुष्य को जन्म से मृत्यु पर्यंत करने हैं और इसी कर्म मार्ग से अपनी उन्नति साधनी है। परमेश्वर के गुणों का शांत चित्त से जितना अधिक मनन होगा उतना अधिक स्वकर्तव्यों का स्फुरण साधक को होगा और इस मार्ग से जाते जाते साधक का स्वभाव ही वैसा बन जाएगा। और जो ही साधक का स्वभाव वैसा बन जाएगा अर्थात वह स्वाभाविकता अकृत्रिमता से वैसे कर्म करने लग गया कि वह साध्य के समीप पहुंचने लगा, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है। परमेश्वर के नाम ताड़ते हैं, यह कैसे? यह इस विवेचन से समझा जा सकता है। वेद मंत्रों में इस वर्णन का यह ऐसा उपयोग साधक के लिए है। इस प्रकार वेद मंत्रों का ज्ञान पूर्वक विचार करके बोध प्राप्त करने से वेद का एकाध सूक्त अथवा एक मंत्र या आधा मंत्र किंवा परमेश्वर का एक नाम भी मनुष्य के परम उत्कर्ष के लिए पर्याप्त है। ऐसा जो समझता है वह कितना यथार्थ है यह पाठकों के ध्यान में आएगा। अब हम ईशोपनिषद का थोड़ी सी भिन्न रीति से मनन करते हैं। मनुष्य का साध्य तीन शांति स्थापन करना और उन तीन शांतियों का अनुभव कर लेना है। वैयक्तिक शांति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और आत्मा में किसी भी प्रकार की अशांति ना रहे और यहाँ पूर्ण शांति स्थिर रहे उससे ही आध्यात्मिक शांति कहते हैं। योग आदि साधन इसी अनुभव के लिए हैं। सामाजिक शांति समाज में विभिन्न मनोवृत्ति वाले लोगों में शांति स्थापन करना और यह दूसरा साध्य मनुष्य के सन्मुख है। सब प्राणियों के विषय में प्रेम और दया भाव के विचार आचार को बढ़ाने से ही यह शांति स्थापित हो सकती है, इससे ही आदि भौतिक शांति कहते हैं। जागतिक शांति सब चराचर जगत में शांति समता का स्थापन करना यह अंतिम साध्य है, इसे आदि दैविक साध्य साधने हैं। इन कर्तव्यों का स्मरण प्रत्येक को कराने के लिए शांति ही शांति ही शांति ही इस प्रकार तीन बार उच्चारण किया जाता है। उपरोक्त तो तीन साध्यों को साधने के लिए ज्ञान और कर्म ये दो साधन हैं। इन साधनों को प्रयोग में लाने के लिए प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों को स्थापित किया गया है। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और कर्म इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। ज्ञान इंद्रियों के लिए ज्ञान क्षेत्र और कर्म इंद्रियों के लिए कर्म क्षेत्र है। जगत में जानने योग्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान क्षेत्र की व्याप्ति के अंतर्गत है। ये दो ही प्रकार के पदार्थ संसार में हैं, अतः इन दोनों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना यह ज्ञान क्षेत्र का साध्य है। पंच ज्ञान इंद्रियों से तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार इस अंतःकरण चतुष्टय से वह ज्ञान प्राप्त करना है। ईशावास्यम इदम् ईश व्याप्त करता है सृष्टि को, ऐसा जो प्रथम मंत्र में कहा गया है उससे हमारा ज्ञान क्षेत्र व्यक्त हो रहा है। ईश शब्द से आत्मा या परमात्मा और इदम शब्द से सृष्टि जगत अथवा संसार का बोध होता है। मनुष्य को जो गौण ज्ञान प्राप्त करना है वह इसी संबंध में है। अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करने की इच्छा हो तो इन दोनों को प्राप्त करना आवश्यक है।
सृष्टि विज्ञान से अभ्युदय और आत्मज्ञान से निःश्रेष प्राप्त हो सकता है। इन दोनों की प्राप्ति से मनुष्य कृतार्थ हुआ ऐसा मानने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दिखती। मनुष्य विशेषतः ऐहिक उन्नति प्रत्यक्ष होने से उसे प्राप्त करने का यत्न करता है। ईशोपनिषद में ज्ञान क्षेत्र संबंधी 3 मंत्रों ने दोनों विद्याएं प्राप्त करके ऐहिक और परमार्थिक उन्नति बिना विरोध के किस प्रकार साधनी चाहिए, यह उत्तमतया दिखाया है।